टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। सितंबर से शुरू होगा यूपी विधानसभा का सत्र। मानसून सत्र में सरकार की विपक्ष को काउंटर करने की तैयारी। होटल लेवाना अग्निकांड के 19 जिम्मेदारों पर एक्शन, 5 विभागों के 15 अधिकारी सस्पेंड। महादेव मंदिर पर प्रसाद बेचने वाले की हत्या, भटकने वाले सिरफिरे को उन्होंने खाना खिलाया, उसी ने पेचकस से गोद डाला। गोवर्धन के गिरिराज मुखाविंद मंदिर में श्रद्धालुओं से मारपीट, पंडा ने गुस्से में फेंकी मटकी, एसडीएम बोले होगी कार्रवाई। उन्नाव में बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई, 10 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर। आधा सत्र बीतने के बाद भी नहीं मिली किताबें, गोंडा में बीआरसी में पढ़ी मुख्यालय से आई पुस्तकें। देहरादून से लौट रहा प्रॉपर्टी डीलर लापता, परिजनों ने जताई अनहोनी की आशंका, नहर में अभियान जारी। प्रयागराज में मुस्लिम छात्रवास बमबाजी, पल्सर सवार बदमाशों ने फेंके 2 बम, पुलिस ने अज्ञात में दर्ज की एफआईआर। आगरा में जीआरपी सिपाही की जूता थेरेपी, ट्रेन से उतरते ही बेहोश हुआ युवक, सिपाही ने जूता सुंघाकर होश मिलाया। चोरी छिपे थाने की वीडियो बनाने वाला अरेस्ट, गिरफ्तारी के बाद युवक बोला पुलिस की करतूत मोबाइल में करनी थी कैद। उन्नाव में अधिकारियों को तैनाती स्थल पर रहने के निर्देश, सीडीओ कहा मुख्यालय छोड़ा तो होगी कार्रवाई। गोंडा में गरीबों की आवास पर अवैध कब्जा, प्रशासन की लापरवाही से 300 आवासों को नहीं हुआ आवंटन। अखिलेश देख रहे भाजपा के टूटने का सपना, फर्रुखाबाद में मंत्री असीम अरुण बोले भाजपा कार्यकर्ता लालच में काम नहीं करती। बुलंदशहर में गुलावटी ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ मोर्चा बंदी, हॉर्स ट्रेडिंग के डर से प्रमुख ने योगी को लिखा पत्र। कौशाम्बी में पुरुष कांस्टेबल के लिए 2 महिला सिपाही भिड़ी, आधी रात पुलिस लाइन में की मारपीट। कासगंज में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़, 25,000 की इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली, साथी मौके से फरार। मुठभेड़ में गैंगरेप का आरोपी गिरफ्तार, देर रात आजमगढ़ पुलिस की आरोपी से हुई मुठभेड़, तमंचा और बाइक बरामद। बरेली के हेड़ी थाना गोलीकांड में 2 इंस्पेक्टर सस्पेंड, 3 सिपाही के बाद महिला सिपाही पर भी गाज। शाहजहांपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार, बोले पीएम नरेंद्र मोदी के सपने उड़ जाएंगे राहुल गांधी। फिरोजाबाद में 1 साल में मिले डेंगू के 23 मरीज, लार्वा की खोज कर रही नगर निगम की टीम।
बरेली में महिला साहित्यकार को एसिड अटैक की धमकी, पीड़ित ने बेटी के साथ खुद को घर में किया कैद। चंदौली में भाक्यू के मंडल प्रवक्ता को पुलिस ने भेजा जेल, सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप। फतेहपुर में बोली केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, राहुल गांधी पहले अपनी पार्टी को संभालें। मेरठ में गद्दों से भरे कैंटर में लगी आग, मुंबई में मेरठ आए थे फोम के गद्दे, बिजली की लाइन की चपेट में आते ही उड़े लपटे। बिजनौर में दो ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत, हादसे में दोनों ड्राइवर की मौत, क्लीनर मामूली रूप से हुआ घायल। झांसी में मंत्री से महिला बोली, चौकी इंचार्ज मांगता है लड़की, कांग्रेस ने कहा स्वतंत्र देव सिंह ने ना संज्ञान लिया ना ही बात की। युवक की मौत के बाद जिला अस्पताल में हंगामा, अंबेडकर नगर के डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप। बच्चा चोरी की अफवाह बनी आफत, देवबंद में युवक की हत्या, कौशाम्बी में महिला को निवस्त्र करके पीटा। पीलीभीत में दुष्कर्म के विरोध पर दलित किशोरी को जिंदा जलाया, गंभीर अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती। भदोही में मुठभेड़ के बाद दो बदमाश गिरफ्तार, 75,000 की नामी बदमाशों के पैर में लगी गोली, दो तमंचे भी बरामद। अलीगढ़ में अराजक तत्वों ने तोड़ी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति, मौके पर तनावपूर्ण माहौल। अमेठी में पुलिस ने सड़क सुरक्षा सप्ताह व नशा मुक्त अभियान का हुआ आयोजित, विजेताओं को एसपी ने किया सम्मानित। औरैया में विशाल दौड़ प्रतियोगिता किया गया आयोजन, अन्य जनपद में भी कई लोगों ने दौड़ में लिया भाग। अलीगढ़ में मौत के मुंह से बचा रिक्शा चालक, कूदकर बचाई जान, ट्रेन की चपेट में आ गया था रिक्शा। औरैया में थाना दिवस का किया गया आयोजन, थाना अध्यक्ष ने सभी फरियादियों की सुनी शिकायतें। गाजीपुर में एंटी माफिया अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने अब अतुल राय की 58 लाख रुपए की संपत्ति की कुर्क। औरैया में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही से बेजुबान की मौत, करंट की चपेट में आने से भैंस की हुई मौत। गाजीपुर में अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर बोला हमला, कहा ओपी राजभर मीडिया का मनोरंजन पात्र। गोंडा में वार्ड बॉय की जगह तीमारदार करते हैं जांच, स्ट्रेचर को लेकर हुई बहस, तीमारदार से अस्पताल कर्मी ने छीना स्ट्रेचर। हरदोई में स्टेशन मास्टर ने गेटमैन से मारपीट कर झोंका फायर, गुस्साए गेटमैन ने अवैध सामान सहित कई ट्रेनों को रोका। कानपुर में भाई ने की छोटे भाई की हत्या, आरोपी भाई हत्या कर फरार, पुलिस मौके पर जांच में जुटी।
गोंडा में शोक सभा आयोजित कर अरविंद गिरी को दी गई श्रद्धांजलि। विधायक अजय सिंह सहित भारी संख्या में लोग रहे मौजूद। कानपुर में पुलिस का काला चेहरा आया सामने। गिरफ्तार आरोपी पर किया थर्ड डिग्री टॉर्चर, पुलिस पर उठे सवाल। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक। विधि विधान ठाकुर बांके बिहारी जी की पूजा अर्चना। श्रावस्ती में राज्य मंत्री साकेत मिश्र ने सुनी लोगों की समस्या। संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण करने के दिए आदेश। मथुरा के वृंदावन में 2 साल की मासूम बच्ची गायब। परिजन व पुलिस जांच में जुटी। औरैया में व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला का हुआ जोरदार स्वागत। कहा व्यापारियों के नोट बनती है सरकारें। मथुरा में बेसिक शिक्षा विभाग की किताब में मिस प्रिंट। प्रिंटिंग प्रेस से गायब हुआ उत्कल बंग शब्द। कमिश्नरेट वाराणसी में कानून व्यवस्था की तैयारी की गई समीक्षा। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ संवाद करने के दिए गए निर्देश। मथुरा में डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने लिया जिला अस्पताल का निरीक्षण। सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाओं का जाना हाल। औरैया में महाराणा प्रताप भवन में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। मंत्री समेत एमएलसी कार्यक्रम में हुए शामिल। मथुरा में आर्यावर्त बैंक द्वारा ऋण वितरण समारोह का किया गया आयोजन। वितरण समारोह में 30 लोगों को बांटे गए ऋण। बुलंदशहर में गृह कलेश में सनकी युवक ने घर को लगाई आग। आग से घर में रखा जरूरत का सभी सामान जलकर हुआ खाक। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से यात्री को बचाने का सीसीटीवी आया सामने। गाड़ी से चढ़ते समय पैर फिसलने से हुआ हादसा। बुलंदशहर में कुएं में गिरने से कक्षा 5 के छात्र की मौत। खेत में देवताओं पर जल चढ़ाने गया था छात्र। लखनऊ में घर में घुसा चोर, बिल्डिंगों पर स्टंट करता दिखा चोर। स्थानीय लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले किया। हमीरपुर में एम्बुलेंस ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। टक्कर लगने से बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। लखनऊ में गायत्री प्रजापति पर रेप का मुकदमा दर्ज कराने वाली महिला गिरफ्तार। पुलिस ने चित्रकूट की महिला को किया गिरफ्तार। कानपुर में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। दोनों तरफ से लाठी डंडे और जमकर चले पत्थर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को ट्वीट कर जन्मदिन की दी बधाई। मुख्यमंत्री ने सुदीर्घ जीवन की कामना। लखीमपुर खीरी में केला चोरी के आरोप में नाबालिग पिटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को करवाया बंध मुक्त। लखनऊ में स्कूल के लिए निकला युवक लापता। 18 घंटे बीत जाने के बाद युवक का नहीं मिला कोई सुराग।
नोएडा में दिखी थप्पड़बाज महिला, गार्ड पर मामूली कहा सुनी के बाद बरसाएं थप्पड़। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थप्पड़बाज महिला। लखीमपुर खीरी में किशोरी के साथ गैंगरेप की हुई वारदात, घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पांचों आरोपियों को हिरासत में लिया। मिर्जापुर में 38 ई रिक्शा कबाड़, डोर टू डोर कूड़ा कनेक्शन के लिए 75 लाख से खरीदा गया था, चार साल से लग रहा जंग। चित्रकूट में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, दरवाजा तोड़कर पुलिस ने निकाला सब, जांच में जुटी पुलिस। बिजनौर में मशहूर सिंगर सलमान अली के प्रोग्राम में हंगामा, दो गुटों में जमकर हुई मारपीट, लाखों रुपए की कुर्सी और सोफे तोड़े। महाराजगंज में तस्करी के लिए रखा सरकारी गेहूं बरामद, एसडीएम ने मारा छापा, गोदाम किया सील। शामली पुलिस ने शातिर लुटेरे को किया गिरफ्तार, लूट की बाइक और अवैध तमंचा बरामद, राहगीरों से करता था लूटपाट। प्रयागराज में छात्रों और दुकानदारों में मारपीट, दुकानदारों ने छात्र को मारा थप्पड़, लॉज से साथियों को बुलाकर किया हंगामा। बिना बताए मायके गई पत्नी की पति ने हत्या की, पहले फावड़े से काटा फिर सब को बोरे में छिपाकर फरार। फिरोजाबाद में अवैध कॉलोनियों को नोटिस, बिना नक्शा पास कराए काटी गई, इन पर चलेगा बुलडोजर। मैनपुरी में 12 साल के बच्चे के साथ कुकर्म, घटना के बाद रस्सी से गला दबाया, लोगों के आने पर भाग गया 70 साल का आरोपी। अमरोहा में गोतस्करों से पुलिस की मुठभेड़, 25,000 के इनामी को लगी गोली, दो फरार। कन्नौज में युवक का शव पेड़ पर लटका मिला, आर्थिक तंगी से परेशान होकर गिरवी रखा था खेत, 5 वर्ष पहले हुई थी शादी। फिलहाल 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।